we are doing one important derivation. It is important for school as well as for our general. Look, pressure difference in a liquid drop. Pressure difference in a liquid drop. देखो लिक्विड के अंदर क्या होता है प्रेशर. लिक्विड में लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है, ये तो पहले भी बढ़ा है. लिक्विड हैज व्हाट प्रेशर. अभी बताओ ये एक लिक्विड है, ये बाहर कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक. बाहर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक. यहां पर भी लिक्विड का क्या है? कुछ प्रेशर हो गई. लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का तो होता ही है प्रेशर. तो यहां देखो, अभी बिल्कुल धीरे धीरे सीखना. ये यहां पर लिक्विड का प्रेशर कितना है? P1. लिक्विड का प्रेशर कितना है? P1. लिक्विड का प्रेशर होता है, यहां भी कुछ होगा यहां, तो यहां पे कितना मान लिया? P1. और बाहर एटमॉस्फेयर का मान लेता हूं कितना? P0. वो भी दिखा रहा हूं. ऐसे P0. P1 की वैल्यू P0 से बड़ी होती है. अंदर का ये ऐसा ड्रॉप ऐसा बना है ना, ऐसी शेप में, तो अंदर का प्रेशर बाहर से क्या होगा? ज्यादा. एक बलून के अंदर का प्रेशर बाहर से क्या होगा? ज्यादा. ये बताओ, एक बलून के अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर अगर बाहर से ज्यादा है तो फूल तो गया, और क्यों नहीं फूलता चला जा रहा? क्योंकि उसका जो प्लास्टिक है वो फिर एक लिमिट के बाद खिंचना बंद हो जाएगा ना. वैसे यहां भी P1 जो है वो P0 से जरूर ज्यादा है, पर सरफेस टेंशन एक लिमिट के बाद उसके साइज को बढ़ने से अब रोक रहा है. तो मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा P1 और P0 के बीच का क्या बताऊंगा? डिफरेंस. अब ये बताओ, P1 के कारण से एक फोर्स लग रहा है बाहर, P1 × 4πr², P1 × 4πr² और P0 से भी लग रहा है, P0 × 4πr². P1 से लग रहा है P1 × 4πr² और P0 से लग रहा है P0 × 4πr². P1 का फोर्स P0 से क्या है? ज्यादा. पर वो साइज बड़ा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरफेस टेंशन उसको बड़ा होने से रोक रहा है. अब रुक जाओ, बच्चों ये तो फोर्स आ गया. ये क्यों बड़ा नहीं होता जा रहा? क्योंकि सरफेस टेंशन उसको बढ़ने से रोक रहा है. अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया. अभी लिखना नहीं यार, समझना. थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया, इसके द्वारा जो वर्क होगा, इसके द्वारा. अच्छा अब ये बताओ, ये तो एक तरीके का क्या आ रहा है? जल्दी बोलो, फोर्स. ये क्या आ रहा है? फोर्स. अब हर पॉइंट dr कहां से लग गया? बाहर. तो इस वाले फोर्स से जो क्या आया? वर्क. उसकी वैल्यू आई, every point moves out by small distance dr, so this is what done? Work done. Ab bachcho, work done will be increase in surface energy. Ruko, ye drop tha, drop ka radius thoda sa badh gaya. This work done will be increase in surface energy. This is the final surface area minus
initial surface area. Final surface area minus initial surface area will be the increase in surface area. Ab ruk jao. बेटा रखना नहीं अभी, हाँ अभी समझाऊंगा पूरी थ्योरी वापस. बच्चों dr इज वेरी स्मॉल, सो dr स्क्वायर विल बी स्मॉलर एंड इट कैन बी निग्लेक्टेड. तो ये बच्चा लिखने लिखना नहीं है. P1 is the pressure of liquid inside, P0 is the outside pressure, and this is the pressure difference. अभी मत लिखो, मुझे जरा वापस समझाना था. Listen, यहां कितना प्रेशर है? P1, बाहर कितना है? P0. P1 P0 से बड़ा है इसलिए वो ड्रॉप ऐसी शेप में, पर वो और बढ़ता क्यों नहीं चला जा रहा? क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो उसको बढ़ने से रोक रहा है. तो ये नेट P1 और P0 का जो फोर्स होगा, P1 माइनस P0 नेट इज इक्वल इनटू 4πr². अब मैंने ड्रॉप का रेडियस थोड़ा सा बढ़ाया, कितना? dr. सो दिस इज व्हाट डन, वर्क डन. वर्क डन विल बी इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, T into final surface area minus initial, और फिर लेके उसको सॉल्व कर दिया. लिख लो, इतना लिखा. इसका ये मतलब है जितना रेडियस छोटा होगा उतना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा. जितना रेडियस छोटा होगा उतना प्रेशर. लिखो सिमिलरली, बस एक चीज और सीख लो, सिमिलरली द प्रेशर डिफरेंस, similarly the pressure difference in a bubble is in a bubble 4t by r. reason batao, wo jo surface jo aapka
मैं बता दूं कहां पे, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे आया, जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड। रुको, P1 माइनस P नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, तो जल्दी बोलो क्या आया, फोर्स इंटू डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब दिस इज जानते हो मैंने 8 क्यों लिखा, जो 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 सरफेस एरिया लिया जाएगा एनर्जी के लिए उसमें सरफेस बाहर भी है और अंदर भी है, इसलिए 8 लिखा है। इज इट क्लियर? चलो बहुत है आज के लिए।